अडानी ग्रीन यानी अडानी ग्रुप से ही हमें एक चीज़ सीख लेनी चाहिए कि जितनी भी मुसीबत हो, अडानी ग्रुप अपने काम को बढ़ाने में निरंतर वर्क कर रहा है, चाहे वो बांग्लादेश, श्रीलंका या यहाँ पर कोई परियोजना धारावी जैसी, उसमें वो आगे बढ़ता जा रहा है। और हिडनबर्ग जिस तरीके से जनवरी से अडानी जी को घेर कर साम्राज्य नीचे लाने वाली चीज़ों के साथ दिखा है, वहाँ पर एक पॉजिटिव संकेत हमें तब दिखाई दिए जब GQG ने इनकी कंपनियों में अच्छा खासा निवेश किया है। उसने एक दिशा दिखाई है कि जो सेबी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट से आनी है उसमें कई डेट लग चुकी हैं, और उस डेट से पहले ही उसने अडानी ग्रुप में चीज़ों में अपना निवेश को बढ़ाया है, तो वहाँ से पॉजिटिव संकेत। और वो मैंने आपको बताया था वो लंबे समय के लिए होंगे। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ इम्पोर्टेंट, इसके अंदर हमें क्या खोजना है। 13 अक्टूबर को जो भी चीज़ होंगी वो आने वाले दिनों में होंगी, और हिडनबर्ग वाली चीज़ों को फ्रांस की कंपनी ने भी जाना होगा, और उसे क्या पॉजिटिव ये चीज़ दिख गई कि उसके उसे पता है कि अगर वहाँ से निगेटिव आया तो तब भी इनके शेयर गिरेंगे अडानी ग्रुप में और प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद भी उसने ये सोच कर कुछ चीज़ें अपनी एनालाइज की होगी, तो एक पॉजिटिव संकेत अडानी ग्रीन पर टोटल एनर्जी के इस तरीके के निवेश के लिए हमें पॉजिटिव संकेत दिखा रहा है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये अडानी ग्रीन के साथ इस तरीके का जो इनका समझौता है ये तब हो रहा है जब हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद। पर फिर मैंने आपको कहा है कि सारी समस्याओं की जड़ एक है, वो है सेबी की चीज़ों से निकलती हुई सुप्रीम कोर्ट का जवाब, हाँ या ना क्या होने वाला है, तो उसको भी आपको समझना पड़ेगा। और टोटल एनर्जी और आपका GQG जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो एक पॉजिटिव संकेतों के साथ दिख रहा है।